हेलो स्टूडेंट्स, हेयर अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 10th सब्जेक्ट बायोलॉजी एंड चैप्टर 5th आवर एनवायरनमेंट। ओके, तो हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, थोड़ा सा हमने जाना था कि एनवायरनमेंट किसको कहते हैं। तो दो फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ड जो है हमारे आसपास, जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ हमारे पास सर्वाइव करने की कैपेसिटी है, तो उस जगह को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। फिर हमने देखा कि एनवायरनमेंट इंक्लूड करता है हमारा फिजिकल सराउंडिंग, जैसे एयर है, वाटर बॉडीज है, प्लांट है, एनिमल है, इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा। तो ये सभी मिलके आपस में एक इंट्रैक्शन इनका होता है और एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन इसमें होता है, हमने ये जाना। तो उसके बाद इकोसिस्टम एंड कंपोनेंट की हमने बात करी। तो इकोसिस्टम वर्ड 1935 में टेंसले नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जो टर्म इकोसिस्टम है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है बायोस्फीयर की, जो कि लिविंग और उनके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ इंट्रैक्शन की हम इसमें बात करते हैं, जो कि इंट्रैक्ट क्यों करते हैं, फूड के लिए, फूड चेन के लिए, केमिकल साइकिल के लिए या एनर्जी के फ्लो के लिए, ये आपस में एक दूसरे के साथ इंट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो हमने कहा था कि नेचर, ड्यूरेशन और साइज, तीन पार्ट में हम इनको डिवाइड करते हैं। और नेचर के बेसिस पे हमने दो टाइप के इकोसिस्टम की बात करी, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम है जहाँ पे ह्यूमन बीइंग का कोई भी रोल नहीं होता है, खुद से बने हुए इकोसिस्टम, जैसे कि पॉन्ड इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, लेक है, ग्रासलैंड है। तो ये सभी वो इकोसिस्टम है जो नेचुरली बने हुए हैं, नेचुरली ऑपरेट हुए जो सी इकोसिस्टम है उनको कहा जाता है। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, सेकंड वन इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम है जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेयर करता है, यानी कि मैन मेड इकोसिस्टम हम कह सकते हैं, जैसे कि गार्डन, क्रॉपलैंड, एक्वेरियम एक्सेट्रा, ये सभी एग्जाम्पल होते हैं किसके, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के। उसके बाद साइज के बेसिस पे हमने बात करी, हमने कहा साइज के बेसिस पे जो इकोसिस्टम है दो टाइप का होता है, एक तो स्मॉल इकोसिस्टम और दूसरा लार्ज इकोसिस्टम। तो स्मॉल इकोसिस्टम जिसमें कि जिसको माइक्रो इकोसिस्टम भी कहा जाता है, जैसे कि एक फ्लावर पॉट अगर हम बोलें तो माइक और स्टोन के अंदर की जो साइट है उसकी बात करें, तो ये माइक्रो इकोसिस्टम का क्या है, एक पार्ट है। दूसरा लार्ज इकोसिस्टम, लार्ज इकोसिस्टम में क्या क्या आता है, जैसे कि मैक्रो इकोसिस्टम भी इसे कहा जाता है, ओशन, फॉरेस्ट, डेजर्ट एक्सेट्रा इसके एग्जांपल हैं। ड्यूरेशन, टाइमिंग के बेसिस पे दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया, हमने कहा कि दो पार्ट का पार्ट में डिवाइड होता है, एक टेम्प्ररी इकोसिस्टम, दूसरा परमानेंट इकोसिस्टम। तो टेम्प्ररी इकोसिस्टम शॉर्ट लिव्ड होता है, जैसे कि गड्ढे में भरा हुआ पानी थोड़े टाइम तक रहेगा, फिर वो हट जाएगा, है ना। ऐसे ही लैब कल्चर में किया हुआ, प्रोटोजोआ का हमने एक लैब कल्चरिंग करवाई, मतलब कि अमीबा अगर हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं या उसकी ग्रोथ करवा रहे हैं कल्चर मीडियम में, तो थोड़े टाइम के लिए जब तक हमने जो प्रोसेस उसकी देखनी है तब तक हम देखेंगे, उसके बाद उसकी ग्रोथ नहीं करवाएंगे, है ना। तो टेम्प्ररी हो गया, थोड़े टाइम तक ही वो ग्रोथ कर पाएगा या करेगा। तो उसके बाद परमानेंट जो इकोसिस्टम होता है वो सेल्फ सपोर्टिंग नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं, जो कि अपने आप को मेंटेन करते हैं, अपने आप को मेंटेन करने की कैपेसिटी इनके पास होती है, वो भी लंबे टाइम तक। तो ये होते हैं परमानेंट इकोसिस्टम, जैसे कि ओशियन है हमारा, लेक है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, ये परमानेंट इकोसिस्टम के हमारे एग्जाम्पल्स हैं। ओके, उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम हम पढ़ रहे थे, कंपोनेंट्स ऑफ, फिर हमने ये एक फ्लो चार्ट देखा, हमने कहा कि इकोसिस्टम देयर आर टू टाइप ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम को फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मरीन वाटर इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ग्रासलैंड है, माउंटेन्स है, डेजर्ट है। तो और आर्टिफिशियल के ऐसे कोई पार्ट्स होते नहीं है, ठीक है। उसके बाद इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हमने पढ़े, हमने कहा कि ये इंक्लूड करता है एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर को, एबायोटिक जिन्हें कि हम नॉन लिविंग कहते हैं, बायोटिक जिन्हें कि हम लिविंग कहते हैं। एबायोटिक में एबायोटिक किस किस से मिलके बना हुआ रहता है, एबायोटिक, अच्छा जो ये कंपोनेंट होता है, एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से या क्लाइमेटिक फैक्टर, ये तीन चीज़ों पे ये डिपेंड करते हैं। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जैसे हमारे कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस आ गए, और मींस की इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो इनसे बनते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, लिपिड्स एक्सेट्रा जो होते हैं, वो हमारे एबायोटिक इकोसिस्टम के ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आता है। फिर हमने बात करी थी टेम्परेचर, सॉरी क्लाइमेट, क्लाइमेट में क्या आया था, क्लाइमेट में हमने बात करी थी टेम्परेचर, लाइट,
ह्यूमिडिटी विंड ये होते हैं। फिर हमने कहा कि हम बायोटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं, बायोटिक कंपोनेंट की हम बात करते हैं हमारे इकोसिस्टम के, एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर, तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। अब हम बायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं। बायोटिक मीन्स होता है लिविंग, जहाँ पे हमने पढ़ा कि इसको तीन भागों में या तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर और तीसरा है डिकम्पोजर, जिसे कि रिड्यूसर भी कहा जाता है। अब देखिए, नाम से नहीं पता चल रहा, प्रोड्यूसर की अगर आप बात कर रहे हो तो नाम से हमें पता चल रहा है कि ये कुछ प्रोड्यूस करता है। फिर कंज्यूमर, कंज्यूम करना यानी कि अपने पास रखना, अपने पास लेना, कंज्यूम करना है। और डिकम्पोजर, उसे ख़त्म करना, वही तो हुआ ना डिकम्पोजर। तो बस इन्हीं तीन वर्ड्स को ध्यान में रखिए कि प्रोड्यूस करना, कंज्यूम करना और ख़त्म करना, ठीक है। तो ये तीन वर्ड्स को लेके हम आगे बढ़ेंगे और आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोड्यूसर से, ठीक है। तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं? ऑल ग्रीन प्लांट्स, प्रोड्यूसर्स ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सभी किसमें आते हैं? प्रोड्यूसर में आते हैं। साथ ही साथ ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं, एंड फ्री फ्लोटिंग ऑटोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये हमें एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिलते हैं, जिसे कि हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे आते हैं प्रोड्यूसर, मतलब कि ये प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये खाना बनाएंगे या जो भी चीज़ें हैं सनलाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस आपको पता है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ किस किस की हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट की हेल्प से, ठीक है। तो वहाँ पे ग्लूकोज बनता है और साथ ही साथ क्या हो जाता है? ऑक्सीजन लिबरेट हो जाती है। ऑक्सीजन जो लिबरेट हुई वो हम एनिमल्स यूज़ कर लेते हैं या ह्यूमन बींग्स यूज़ कर लेते हैं, और ग्लूकोज जो बना है वो प्लांट्स यूज़ करेंगे, और जितना बच गया वो स्टोर करके रख देते हैं स्टार्च के फॉर्म में, जब ज़रूरत होगी उसे वो ले लेते हैं, है ना। तो अब अल्टीमेट सोर्स हमारा कौन है? हमारे खाने का, हमारे फूड का अल्टीमेट सोर्स, हमारी एनर्जी का है कौन? प्लांट्स ही तो हैं, ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि ये जब फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं तो हमारे लिए फूड की अवेलेबिलिटी हो रही है, हमारे लिए ऑक्सीजन अवेलेबल हो रहा है ना। तो इनको क्या कह दिया? प्रोड्यूसर। ये किसकी हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से क्या करते हैं? खाना प्रोड्यूस करते हैं, अपना खाना खुद से बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो इन्हें क्या कह दिया जाता है? प्रोड्यूसर। जो कि इस अर्थ में प्रेजेंट जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सब के लिए खाने खाने का काम ये करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं से, भले वो प्लांट ईटिंग एनिमल हो या ना हो, प्लांट ईटिंग एनिमल अगर नहीं भी है, मान लो कि कोई जैसे लायन है वो प्लांट को नहीं खाता है, तो लेकिन प्लांट खाने वाले को तो वो खाता है ना, वो होगा तभी तो वो खा पाएगा। तो डायरेक्टली बोलो, इनडायरेक्टली बोलो, प्रोड्यूसर सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा हुआ कि प्रोड्यूसर खत्म हो गए तो सारी की सारी स्पीसीज अर्थ में जो है वो सबकी सब खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमारे प्रोड्यूसर हैं। नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर। कंज्यूमर्स ये वो एनिमल होते हैं जो कि अनेबल होते हैं अपना खाना बनाने के लिए, जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं, तो ये क्या करते हैं? मटेरियल्स और एनर्जी को जो यूज़ करते हैं, जो प्रोड्यूसर इन्हें देता है। मतलब कि अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर को खाना कौन देगा? पहले प्रोड्यूसर आया, प्रोड्यूसर का जो खाना है वो कंज्यूमर लेता है, ठीक है। मतलब कि प्रोड्यूसर को, या ग्रीन प्लांट्स, मान लो प्रोड्यूसर क्या हैं? ग्रीन प्लांट्स हैं। ग्रीन प्लांट्स कौन खाता है? कंज्यूमर ही तो खाता है, मतलब डियर वगैरह, ये रैबिट, यही तो खाते हैं ना। तो कंज्यूमर, ये मेनली एनिमल्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, उसमें तो हमने प्लांट्स पढ़ा ना, तो कंज्यूमर में एनिमल्स आते हैं जो अपना खाना खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, तो ये क्या करते हैं? इस मटेरियल को, इन मटेरियल्स को, यानी कि प्रोड्यूसर को ये खाते हैं, या प्रोड्यूसर, जैसे प्रोड्यूसर का जो फूड प्रोडक्ट है क्या था, फ्रूट्स हैं, सीड है, ग्रेन्स हैं, ये सारी चीज़ें तो खाते हैं ना हम लोग, तो ये क्या करते हैं? इसको खाते हैं, ओके। और ये इनको हेटरोट्रॉप्स भी कहा जाता है, और जो कंज्यूमर्स होते हैं फिर इनके टाइप्स आते हैं। हमारे इकोसिस्टम में अलग अलग टाइप के कंज्यूमर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ ए, प्राइमरी और फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। ओके
अब इनको ध्यान से सुनना है, ठीक है। प्राइमरी और फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर क्या होते हैं? ये इंक्लूड करते हैं उन एनिमल को जो कि सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, यानी कि हर्बीवोर्स। अगर मैं सीधे सीधे बोलूं कि फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर और प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, तो इन्हें आप क्या बोल देंगे? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, है ना। तो विच दीज इंक्लूड द एनिमल्स विच ईच प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट, दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। और प्राइमरी और फर्स्ट कंज्यूमर इनको कह दिया, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं? कैटल, ये तो आपको पता ही है ना, डियर, गोट, रैबिट, ग्रास हॉपर। ये क्या है? कुछ कॉमन हर्बीवोर्स हैं, लेकिन कौन से इकोसिस्टम के? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इसलिए कहा क्योंकि लैंड में ही तो मिलते हैं ना ये सभी, तो आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि टेरेस्ट्रियल इको, प्राइमरी या फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल बताइए, तो उस समय आप क्या लिखेंगे? गोट, रैबिट, ग्रास हॉपर, एक्सेट्रा, ठीक है। ये इसके क्या है? एग्जाम्पल है जो कि प्राइमरी और फर्स्ट लेवल। तो फर्स्ट लेवल आया समझ में। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं बायोटिक कंपोनेंट में? प्रोड्यूसर लेवल पढ़ते हैं। प्रोड्यूसर यानी कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उन्हें हम ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ बैक्टीरिया वगैरह, ये क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं, जो हमारे लिए खाना प्रोवाइड करते हैं या खुद का खाना खुद से बनाते हैं। दूसरा लेवल कंज्यूमर लेवल, जो कि कंज्यूम करता है, जो इनसे फूड प्रोडक्ट लेता है। तो उसके तीन चार पार्ट हमने पढ़ने हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? प्राइमरी और फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। तो प्राइमरी फर्स्ट ऑर्डर वो जो ये वो होता है जो कि इनको खाता है, किसको? जो प्रोड्यूसर को खाता है, यानी कि जो प्लांट्स पे डिपेंड रहता है। तो प्लांट्स पे डिपेंड कौन रहते हैं? हर्बीवोर्स रहते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारे फर्स्ट ऑर्डर कार्निवर्स, ठीक है। तो जबकि स्नेल, टर्टल, अब ये तो हमने रैबिट, डियर वगैरह तो पढ़ा ना, लेकिन इसमें अलग अलग एग्जाम्पल आपने पढ़ने होते हैं। टेरेस्ट्रियल का एग्जाम्पल तो आपने पढ़ा, तो अब एक्वेटिक इकोसिस्टम का, एक्वेटिक का जो होगा उसका एग्जाम्पल कौन होगा? एक्वेटिक के एग्जाम्पल होते हैं स्नेल्स। इसी में फर्स्ट ऑर्डर में ही एक्वेटिक इकोसिस्टम का या एक्वेटिक का एग्जाम्पल हमारा होता है स्नेल, टॉर्टोइस, मॉस्किटो लार्वा, एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब दूसरा आता है हमारा सेकेंडरी। फर्स्ट तो प्राइमरी पढ़ा ना, अब सेकेंडरी पढ़ेंगे। सेकेंडरी और सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर, ओके। सेकेंडरी और सेकेंड लेवल कंज्यूमर्स, तो इसमें क्या है? ये इंक्लूड करते हैं उन एनिमल को जो कि फ्लैश ऑफ हर्बीवोर्स, जो कि हर्बीवोर्स को खाते हैं। हर्बीवोर्स क्या है? डियर, कैट, यही तो है हर्बीवोर्स। तो इनको खाने वाले को हम क्या बोल देंगे? सेकेंडरी। दीज इंक्लूड द एनिमल, आप इसमें लिख सकते हैं, दीज इंक्लूड द एनिमल्स विच फीड ऑन द फ्लैश ऑफ हर्बीवोर्स, ओके, दे आर कॉल्ड। अब इनको प्राइमरी कार्निवोर भी कहा जाता है। कार्निवोर कहते हैं ना, हम पढ़ते हैं ना हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर पढ़ते हैं ना, तो इनको क्या कहा जाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर, लेकिन प्राइमरी कार्निवोर। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किसको खाते हैं? ये देखो, जो फर्स्ट लेवल का जो था उसने किसको खाया था? जैसे प्रोड्यूसर था ना, प्रोड्यूसर था, प्रोड्यूसर सन से मिलने वाली एनर्जी से इसने अपना खाना बनाया, ठीक है। प्रोड्यूसर को किसने खाया? प्रोड्यूसर को खाया, या मैं इधर एरो लगा देती हूँ, ठीक है, रैबिट ने खाया, ठीक है। रैबिट क्या है? हर्बीवोर है, यानी कि प्राइमरी ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर था ये, राइट, प्राइमरी ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर था। अब रैबिट को कौन खा रहा है? रैबिट को खाने वाला कौन है? मान लो कैट रैबिट को खा दे रही है, तो कैट क्या हो गई? प्राइमरी कार्निवर, लेकिन सेकंड ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर। ये फर्स्ट ऑर्डर का कंज्यूमर था ना, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूम किया इसने प्लांट को। ये कंज्यूमर तो सेकंड ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर क्या है? प्राइमरी कार्निवर का है, मतलब पहला कार्निवर जो कि ईट मीट पे डिपेंड रहता है, ठीक है। ये तो घासी घास खाता है ना, इसलिए इसे नहीं खा। कार्निवर्स क्या होते हैं? मीट ईटिंग प्लांट, फ्लैश ईटिंग प्लांट तो होते हैं ना, सॉरी, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स तो होते हैं ना। तो फ्लैश ईटिंग तो हमें यही मिला अभी तक, तो ये फर्स्ट या प्राइमरी ऑर्डर ऑफ कार्निवर है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर ऑफ
कंज्यूमर है, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज आपने नहीं होना है। तो कैट, फॉक्स, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हमारे होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के। बस इसमें आपको ये याद रखना है कि अब इसके एग्जाम्पल्स सेकेंडरी के, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, टेरेस्ट्रियल और दोनों, पॉन्ड इकोसिस्टम या एक्वेटिक इकोसिस्टम, दोनों के एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल तो क्या है, कैट, फॉक्स एक्सेट्रा, और इसी में एक्वेटिक का एग्जाम्पल, एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल कौन होगा, जैसे कि स्मॉल फिशेस, फ्रॉग, वाटर बग एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात आती है, ये सेकेंडरी और प्राइमरी आया ना समझ में। प्राइमरी वो जो हर्बीवोर्स को खाते, प्राइमरी वो जो प्लांट्स को खाते हैं जिन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं, सेकेंडरी ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर वो जो कि हर्बीवोर्स को खाते हैं, और ये हर्बीवोर्स को खाते हैं इसलिए इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर भी कहा जाता है, ठीक है। इसके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल कैट, फॉक्स एक्सेट्रा, और एक्वेटिक इकोसिस्टम के स्मॉल फिशेस, फ्रॉग, वाटर बग एक्सेट्रा, इसके एग्जाम्पल्स हमारे होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अब क्या पढ़ते हैं, सी हमारा आता है, इसको पढ़ते हैं टर्शियरी। थ्री के लिए क्या यूज किया जाता है, टर्शियरी, और थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर, ओके। तो अब ये क्या होते हैं, ये बड़े कार्निवर होते हैं। ये तो छोटे कार्निवर थे, कैट तो छोटा कार्निवर था ना, तो कैट से बड़ा अगर मैं बोलूं तो ये क्या होता है, वुल्फ। वुल्फ इससे बड़ा होता है ना, इसको भी खा देगा, ये तो इसी को खा रहा है, ये इसको भी खा देगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, दीज आर लार्जर कार्निवोर, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, लार्जर, लार्जर कार्निवर विच फीड ऑन प्राइमरी कार्निवर, जो कि प्राइमरी कार्निवर को खा देंगे, तो इनको सेकेंडरी कार्निवर कहा जाता है, ठीक है। कार्निवर क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी, लेकिन ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर थर्ड ऑर्डर, ठीक है, और सेकेंडरी कार्निवर्स, ठीक है, आया ना समझ में। कार्निवोर्स तो सेकेंडरी हैं क्योंकि प्राइमरी कैट वाला है, लेकिन जो ऑर्डर है कंज्यूमर ऑर्डर जो है वो कौन सा है, वो थर्ड है, टर्शियरी है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है बड़ी बड़ी फिशेस, वाटर बर्ड्स, वाटर में रहने वाली बर्ड, एक्वेटिक इकोसिस्टम के, जबकि वुल्फ, स्नेक वगैरह टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर थे, प्रोड्यूसर को रैबिट ने खाया, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर इन्हें कहा, जिनको कि हर्बीवोर्स भी हम कहते हैं। दूसरा हमारा आया क्या, कैट, जिसे कि सेकंड ऑर्डर ऑफ, जिसे सेकंड ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर कहा जाता है, लेकिन फर्स्ट प्राइमरी क्या कहा गया, कार्निवोर कहा गया। फिर वुल्फ आया जिसे थर्ड ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर तो कहा जाता है, साथ ही साथ सेकेंडरी कार्निवोर भी कहा जाता है, ठीक है। बड़े होते हैं, बड़े कार्निवोर ये होते हैं। और एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा, इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे तो पॉन्ड के एग्जाम्पल क्या है, लार्ज फिश, वहाँ स्मॉल फिश थी ना, या लार्ज फिश इसके एग्जाम्पल होगा, वाटर बर्ड्स या बग्स, और नेक्स्ट वुल्फ, टेरेस्ट्रियल के वुल्फ, स्नेक, ये इसका एग्जाम्पल होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट, क्वार्टरनरी और फोर्थ ऑर्डर कंज्यूमर, क्वार्टरनरी और फोर्थ ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर, ये दीज आर लार्जेस्ट कार्निवर, ये लार्जेस्ट कार्निवर होते हैं, इनसे बड़ा फिर कोई नहीं होता है। विच फीड ऑन सेकेंडरी कार्निवर, जिसको कि टर्शियरी कंज्यूमर्स में लाया जाता है, मतलब कि फोर्थ ऑर्डर का कंज्यूमर है, थर्ड ऑर्डर का क्या होता है, या थर्ड या टर्शियरी कंज्यूमर इसे कहा जाता है, कार्निवर, सॉरी कार्निवर कहा जाएगा, कार्निवोर। तो अब देखो, फर्स्ट कार्निवोर ये था, सेकंड कार्निवोर ये है, अब टर्शियरी में कौन आ जाएगा, जैसे हम लाइन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या, किस में आ जाएगा, हाईएस्ट टॉप लेवल में ये आ जाएगा। तो एग्जांपल क्या हो गए इसके, टॉप कार्निवोर के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, टाइगर, ईगल, है ना, एंड लायन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और पॉन्ड में क्या हो जाएगा, जैसे मतलब एक्वेटिक में क्या हो जाएगा, शार्क, क्रोकोडाइल,
ये सभी एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम के। तो आया ना समझ में ये क्या है। हम क्या पढ़ रहे थे, बायोटिक कंपोनेंट हमने पढ़े। हमने कहा कि तीन लेवल इसके होते हैं, प्रोड्यूसर लेवल, कंज्यूमर लेवल, डिकम्पोजर लेवल। ठीक है, प्रोड्यूसर लेवल तो वो होते हैं जैसे कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं उनको हमने प्रोड्यूसर लेवल, उनको खाने वाला क्या हो गया वो सेकेंडरी और सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर उसे कहा जाता है। प्राइमरी ऑर्डर कंज्यूमर किसको कहा जाता है, इन प्रोड्यूसर्स को, जो ग्री सॉरी ये प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर के बाद हमारे कंज्यूमर आए थे, कंज्यूमर हमने पढ़े। हमने कहा कि जो कंज्यूमर होते हैं उन वो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है उसे वो खाते हैं। तो ये जो कंज्यूमर हैं ये हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी या फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, रैबिट फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर हो गया, और जो कैट है जो इसको खाएगा यानी जो हर्बीवोर्स को खाता है सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर, जो इस प्राइमरी कार्निवोर को खाएगा वो सेकेंडरी कार्निवोर और थर्ड टर्शियरी कंज्यूमर, फिर इसको जो खाएगा वो फोर्थ या क्वार्टरनरी क्या हो जाएगा कंज्यूमर, लेकिन थर्ड कार्निवोर ये हो जाएगा। ठीक है, इसको ये बोल देंगे। तो इतना आया ना समझ में, हमने इसमें एग्जाम्पल लर्न करने हैं और हमने नेम में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिकम्पोजर, जो थर्ड टाइप का होता है हमारा, उसे हम पढ़ते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर्स इंक्लूड करते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, ये ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोजर्स में आते हैं। ये क्या करते हैं, डेड और डीके मतलब सड़ी गली चीज़ों पे ये एक्ट करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर पे। डिकम्पोजर का काम होता है कि ये डिग्रेड जितने भी डेड ऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं, प्लांट का वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, ऑर्गेनिक मैटर का वेस्ट है, तो ये सभी के सभी ये क्या करते हैं, डिग्रेड द डेड ऑर्गेनिक और कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल और वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर इंटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ये कन्वर्ट कर देते हैं, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, या हमारा इन्वायरमेंट जो है उसे यूज़ कर लेता है। ठीक है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में हमारा इन्वायरमेंट उसे यूज़ कर लेता है, यानी कि डिकम्पोजर का काम है हमारे आसपास सफाई रखना भी आप कह सकते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर्स इसेंशियल कंपोनेंट होते हैं हमारे इकोसिस्टम के, क्योंकि बिना इनके लाइफ अल्टीमेटली डेड रिमेन, हमारे आसपास ना सारी चीज़ें सड़ी गली चीज़ें ही हो जाती अगर ये डिकम्पोजर्स नहीं होते। तो डिकम्पोजर्स को सैप्रोट्रॉप्स भी कहा जाता है, और डिकम्पोजर वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सड़ी गली चीज़ों पे एक्ट करके हमारे इन्वायरमेंट को साफ रखने का भी ये काम करते हैं। एग्जाम्पल क्या होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई। ठीक है, बैक्टीरिया और फंजाई वो डिकम्पोजर हैं जो अपने हमारे इन्वायरमेंट में जो सड़ी गली चीज़ें हैं उनको, उन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हमारा इन्वायरमेंट रॉ मटेरियल के फॉर्म में लेके रिसाइकिल उनको कर देता है। ठीक है, फिर एक और टर्म आता है, जैसे हमने हर्बीवोर्स हर्बीवोर्स कार्निवोर्स तो पढ़ा लेकिन ओमनीवर नहीं पढ़ा ना। तो ओमनीवर क्या होते हैं, बहुत सारे एनिमल जैसे कि काउ, डॉग, कैट, बियर, ये सभी क्या होते हैं, या ह्यूमन बीइंग, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है। हम क्या करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं साथ ही साथ एनिमल्स को भी खाते हैं या मीट भी खाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, ओमनिवर्स, यानी कि ऐसे एनिमल जो कि प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों को ही अपना फूड बनाते हैं, दोनों ही खाते हैं, तो उसे क्या कह दिया जाता है, ओमनिवर्स उनको कह दिया जाता है। ठीक है, तो मैं एक थोड़ा सा अच्छे से एक शो करने के लिए आपको एक डायग्राम बना देती हूँ, डायग्राम तो क्या, एक फ्लो चार्ट बनाती हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ से सन की लाइट आ रही है, ठीक है, इस सन की लाइट की हेल्प में एक कोई प्लांट था, ये कोई प्लांट है, इसने क्या किया, अपना फूड ये बना रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, प्रोड्यूसर, है ना, प्रोड्यूसर। अब ये प्रोड्यूसर क्या करता है, यानी कि प्लांट है, इस प्लांट को कौन खाएगा, इस प्लांट को खा रहा है रैबिट। ठीक है, यानी कि रैबिट क्या है, रैबिट क्या है, हर्बीवोर है और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर है। ठीक है, उसके बाद रैबिट को कैट ने खाया, सेकंड ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर लेकिन प्राइमरी कार्निवोर ही हो गया। ठीक है, और ऐसे वुल्फ ने कैट को खाया तो ये क्या हो गया, सेकंड कार्निवोर हो गया, सेकेंडरी कार्निवोर लेकिन टर्शियरी लेवल ऑफ कंज्यूमर हो गया। फिर इसे किसने खाया, इसे इसको टर्शियरी कंज्यूमर कह देंगे, इसको फिर किसने खाया, क्वार्टरनरी वाले ने खाया ना, तो जैसे कि टाइगर ने इसको खा दिया, ये हुआ। अब देखो होते क्या है, हर्बीवोर तो क्या हो गया, हर्बीवोर्स जो ये हैं, ये जो हर्बीवोर हैं ये तो क्या हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर, ये क्या हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गए
टर्शियरी और ये क्वार्टरनरी हो गए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अब इनको जब इनकी डेथ हो जाएगी, इनकी डेथ भी तो होगी ना, मरेंगे भी तो ये सभी के सभी, इसकी भी डेथ होगी कहीं ना कहीं। तो ये क्या करता है ना, ये सभी के सभी जैसे ये क्या रिलीज करता है, जैसे नाइट्रोजन, ये जब इनकी डेथ हो जाएगी तो सड़ी गली चीजें बनाएंगे, सड़ी गली चीजें बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आएंगे, डिकम्पोजर्स आएंगे, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये इस पे एक्ट करेंगे और फिर वापस से क्या कर देंगे, जो जो चीजें चाहिए वो क्या कर देते हैं, इन्वायरमेंट को ऐसे ही डिकम्पोजर्स क्या कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को वापस कर देते हैं, ठीक है। तो जितने भी इसमें से आएंगे, तो हमने प्रोड्यूसर भी दिखा दिया इसमें, हमने डिकम्पोजर्स भी दिखा दिए और हमने कंज्यूमर्स भी इसमें दिखा दिए, ठीक है, तीनों चीज़ें हमने इसमें दिखा दी हैं। तो ये एक रिलेशनशिप है, नंबर ऑफ रिलेशनशिप अमंग द मेम्बर ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के जो मेम्बर्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरीके से हम शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, अब जैसे ओमनीवर हमने पढ़ा ना, वैसे ही एक टर्म और होता है पैरासाइट, ठीक है। चलिए पैरासाइट की बात करते हैं, पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट दीज आर आल्सो अ कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की ही कैटेगरी ये होती है, और ये कहाँ रहते हैं, इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, किसी और की बॉडी के अंदर रहते हैं, वहाँ अपनी लाइफ साइकिल को एक क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, जैसे कि टेप वॉर्म और एंड एमीबा, हिस्ट्रोलिटिका, ठीक है। ये क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाते हैं। एंड एमीबा, हिस्ट्रोलिटिका तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में अटैक करता है जिससे कि डायरिया हो जाता है, ठीक है। तो एंड एमीबा, हिस्ट्रोलिटिका, ये पैरासाइट ऐसे होते हैं जो कि जिसकी जिस होस्ट की बॉडी से इनको खाना मिल रहा होता है उसी को हार्म पहुँचाते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछूँ आपसे कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके वॉर्म में भी तो कोई बच्चा पल रहा होता है, वो भी तो उनकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है ना, अपनी मदर की बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है, तो क्या आपको लगता है कि वो भी पैरासाइट होता है, यानी कि मदर की वॉर्म में पलने वाला जो बच्चा है क्या वो पैरासाइट होता है? तो शायद मैंने पहले भी आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आपको पता होगा इसका आंसर, नो, क्योंकि पैरासाइट क्या होते हैं, जो दूसरे की बॉडी का फीड तो करते हैं, दूसरे की बॉडी से फीड करते हैं, साथ ही साथ हार्म भी पहुंचाते हैं, लेकिन फीटस कभी भी अपनी मदर को हार्म नहीं पहुंचाता है, ठीक है, तो इसलिए वो पैरासाइट नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट एक और आता है डेट्रीवोर्ट्स भी इन्हें कहा जाता है, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल को खाते हैं, ठीक है, जो भी डेड रिमेन होगा क्या कहते हैं उनको, डेट्री वोर्ट्स, तो वो एनिमल या वो ऑर्गेनिज्म जो कि डेट्राइटस, डेट्राइटस का मीनिंग होता है डेड ऑर्गेनिज्म ऑफ, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, और उनको क्या करते हैं स्मॉलर फ्रेगमेंट में तोड़ देते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म, वल्चर, टर्माइट इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है, तो ये डेट्राइवर्स होते हैं हमारे। फिर उसके बाद आप डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, ऑटोट्रॉप्स को एंड हेटरोट्रॉप्स को, तो मैं लिख नहीं रही हूँ, आपको पता चल ही क्या होगा ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं। ऑटोट्रॉप्स वो प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या करते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खाना बनाने की कैपेसिटी इनके पास होती है, दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम सनलाइट और इनऑर्गेनिक मैटर, इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, सनलाइट से और इनऑर्गेनिक मैटर लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, है ना, दे यूजुअली एड ऑक्सीजन टू द एनवायरमेंट, और इनका काम क्या होता है एनवायरमेंट में ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का बैलेंस बनाना या ऐड करना, ठीक है। एग्जांपल्स क्या हो गए, ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया, ऑन द अदर साइड हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये कंज्यूमर होते हैं, यानी कि जो ऑटोट्रॉप्स बनाएंगे उसको ये खाएंगे, और ये ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, जबकि ऑटोट्रॉप्स किस पे डिपेंड थे, सनलाइट पे, बस वो खुद से बनाते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, और ये एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, ऑटोट्रॉप्स से, ऑटोट्रॉप को खा के एनर्जी लेते हैं, और ये एनवायरमेंट में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, ह्यूमन, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये सभी इसके एग्जाम्पल होते हैं किसके, हेटरोट्रॉप्स के, ठीक है।
इतना है ना समझ में। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे कि हम जानते हैं फूड चेन के नाम से। तो अब देखो फूड चेन क्या होती है। फूड चेन होती है एनीथिंग विच वी ईट टू लिव इज कॉल्ड फूड। मतलब कि कुछ भी अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें खाने की, हवा की, पानी की जरूरत तो होगी होगी ना। तो ये तीनों हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, मीन्स कि ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड। तो फूड क्या होता है, कुछ भी जो हम खाते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, फूड। तो फूड के पास क्या होती है, एनर्जी होती है। हमें खाना खाने के लिए का मन क्यों होता है, हमें भूख क्यों लगती है, क्यों, क्योंकि हमें एनर्जी उससे मिलती है। जैसे हमारी बॉडी से एनर्जी कम होने लगती है तो हमारी बॉडी के सेल्स हमें इन्फॉर्मेशन देने लगते हैं कि भाई अब हम थक चुके हैं, हमें एनर्जी की ज़रूरत है, तो आप खाना खाओ। आप खाना खाओगे तो एनर्जी बनेगी और फिर से हम एक्टिव हो पाएंगे, है ना। तो आपको ध्यान होगा, जैसे जब आपको भूख लगती है तो आपको कुछ भी करने का मन नहीं होता है, आप कुछ नहीं कर पाते हो। तो वो इसीलिए, क्योंकि सेल्स क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, फूड से। तो एनीथिंग विच वी ईट टू लीव इज कॉल्ड फूड। फूड कंटेन्स एनर्जी, और जो फूड और एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर थ्रू फूड चेन। तो फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फूड या एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब जो भी फूड चेन होगी, किसी भी फूड चेन की आप बात करो, वो सारी की सारी फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है, ग्रीन प्लांट से ये फूड चेन स्टार्ट होती है, ठीक है। ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होगी, जो कि सभी के लिए, सभी ऑर्गेनिज्म का ओरिजिनल सोर्स है। किस चीज़ का, फूड का। ग्रीन प्लांट्स ही ओरिजिनल सोर्स हैं फूड का हर एक के लिए। तो द सीक्वेंस ऑफ, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम फूड चेन को, द सीक्वेंस ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इन अ कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर फूड एनर्जी इज कॉल्ड फूड चेन। तो एक सीक्वेंस है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक कम्युनिटी में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसमें कि एक एक कंज्यूमर दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है ताकि उसके बॉडी की एनर्जी, जैसे ग्रीन प्लांट को हम खाएंगे तो ग्रीन प्लांट की एनर्जी हमें मिलेगी, है ना। तो एक से दूसरे में पहुंचता है एनर्जी का लेवल, तो इसे क्या कहा जाता है, फूड चेन। या आप फूड चेन को और छोटे से फॉर्म में डिराइव कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स और लिविंग बींग्स शोइंग हु ईट्स हु, ठीक है, हु ईट्स हुम, कौन किसको खाता है, इसकी एक जो लिस्ट होती है, एक सीक्वेंस जो इसका होता है, उसी को क्या कह दिया जाता है, फूड चेन। अब एग्जांपल क्या होता है फूड चेन के, जो सिंपल फूड चेन होता है ना, वो ग्रासलैंड और फॉरेस्ट इकोसिस्टम, या फॉरेस्ट कैन बी रिप्रेजेंट, फॉरेस्ट होता है जिसको हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फूड चेन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कुछ भी नहीं है, एक चेन के फॉर्म में। जैसे कि हमने कहा ये सनलाइट है, सनलाइट से इसने एनर्जी ली, ग्रास लैंड ने, ग्रीन ग्रास भी तो होती है ना, ये भी तो फोटोसिंथेसिस करती होंगी, या ग्रास आप लिख लीजिए, जो कि प्रोड्यूसर होगा, प्रोड्यूसर। अब ग्रास, ग्रास को कौन खाएगा, डियर खाएगा, तो ये क्या हो गया, हर्बीवोर या कंज्यूमर। और उसके बाद लायन, जो कि कार्निवोर। यही तो दिखा रहे हैं कौन किसको खा रहा है ना। प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स को खा रहे हैं कार्निवोर, है ना। यही तो है, यही तो हमारा एक क्या होता है, फूड चेन होता है। फूड चेन को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। एक और तरीके से हम इसमें शो कर सकते हैं, जैसे कि ये है लाइट, सनलाइट है, यहाँ पे आए ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स आए। अच्छा, मैं आपको बना हुआ दिखा सकती हूँ ना, इसमें तो देखिए ये है, यहाँ से ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट, जिसे कि हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बेटा, और फिर से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये क्या है, न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, ठीक है। फूड चेन का ही ये दिखाया, देखो ऑटोट्रॉप्स है, ऑटोट्रॉप्स यानी कि प्लांट, प्रोड्यूसर, ये कहाँ से एनर्जी ले रहे हैं, सन से एनर्जी ले रहे हैं, और उसके बाद ये हर्बीवोर्स, जो कि सिर्फ प्लांट को खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर इन्हें हमने कह दिया, और इन प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला कौन है, प्राइमरी कार्निवोर इसे हम कहते हैं। प्राइमरी कार्निवोर जो है वो, उसको कौन खाता है, सेकेंडरी कार्निवोर, यानी कि अगर ये प्लांट है तो इसके बाद ये क्या है, हर्बीवोर, इसे डियर बोल दिया, या इसे हमने क्या बोल दिया, रैबिट बोल दिया। रैबिट को खाने वाला कैट था, कैट को खाने वाला स्नेक था, स्नेक को खाने वाला, या स्नेक या वुल्फ बोल दो, वुल्फ को खाने वाला टाइगर था,
ठीक है, यही तो हमने पढ़ा था ना लास्ट सेक्शन में। तो अब यहाँ से क्या हो रहा है, देखो ऑटोट्रॉप्स, हर्बीवोर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। तो टर्शियरी तक अगर हम देखें तो यहाँ से क्या हो रहा है, देखो हर्बीवोर्स भी एक बार के लिए क्या हो जा रहे हैं, डीके, प्रोडक्शन, एक्सक्रिएशन, इनका जो एक्सक्रिएशन है, इनकी जो डेड बॉडी है वो। फिर प्राइमरी कार्निवर्स भी ऐसे ही कर रहे हैं, कभी या डेथ हो जाएगी या इनका जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट है वो। सेकेंडरी का भी एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट या इनकी डेथ हो जा रही है। टर्शियरी का भी ऐसे ही हो रहा है। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये डार्क लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है, ये तो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इनकी सड़ी गली चीजें ये हैं या इनका एक्सक्रिएटरी लेवल ये है। और जो ये इस तरीके की जो जिगजैग लाइन दिखाई दे रही है, ये शो कर रहा है एनर्जी, ये सब न्यूट्रिशन मिनरल्स वगैरह जो हैं वो यहाँ गए। अब यहाँ पे आने के बाद जब ये एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट इनका यहाँ आता है, तो यहाँ पे क्या आते हैं, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स आते हैं जो, सॉरी यहाँ पे क्या आते हैं, डिकम्पोजर्स आते हैं, जो कि इस जो सॉइल में पड़े हुई जो ये चीज़ें होंगी या हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट जो ये चीज़ें होंगी, डीके प्रोडक्शन होगा एक्सक्रिएशन का, ये क्या करता है, अपनी एनर्जी ये क्या कर देता है, वापस रिसाइकिल करके ऑटोट्रॉप्स को दे देता है वापस ये एनर्जी इसी में। मतलब कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, वो खत्म नहीं हो रही है, लेकिन ऑटोट्रॉप्स की एनर्जी हर्बीवोर्स में गई, हर्बीवोर्स की एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर कार्निवोर में, प्राइमरी कार्निवोर से सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्निवर में, फिर टर्शियरी कार्निवर में वापस वहीं आ गई, उन्हीं मिट्टी में आ गई और वापस वहां से जितना भी था सब उसको मिल गया। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सन की एनर्जी का जितना भी पार्ट इसे मिल रहा है उसका हर एक पार्ट यहाँ यहाँ मतलब कि एनर्जी में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि एनर्जी जितनी, अगर मान लो ये 100% एनर्जी इसके पास है, तो ये इसका सिर्फ 10% यहाँ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ 10% जाएगा, यानी कि 100 का 10% कितना होता है, 10। फिर इस 10% का, यहाँ पे ये 100 था, इस 100 से यहाँ 10 गया, अब इस 10 का भी 100% निकालेंगे। ठीक है, इस 10 का जब 100% हम निकालते हैं, सॉरी इस 10 का भी 10% हम निकालेंगे, इस 10 का भी 10% जाएगा, तो वो कितना होगा, 1% पहुंचेगा। फिर इस 1% का 10% यहाँ, इस उसका भी 10% यहाँ जाएगा, ऐसे जाता है। मतलब कि 100 का 100 सारी की सारी एनर्जी नहीं जाती है, उसे भी तो चाहिए ना एनर्जी, तो 10% जाती है। ये रूल अभी आएगा आपको, 10% रूल उसे कहते हैं हम। तो अभी तो ये फूड चेन आया ना समझ में, कैसे फूड चेन एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहती है, यानी कि एक लिस्ट होती है ऑर्गेनिजम्स की, जो कि क्या करती है, शो करती है कि किसने किसको खाया, और एक सीक्वेंस में। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने टाइगर लिख दिया, ऐसा तो फिर हो ही नहीं सकता, टाइगर थोड़ी ना ऑटोट्रॉप होगा। तो ऑटोट्रॉप्स, फिर हर्बीवोर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर कार्निवोर या सेकेंडरी कार्निवोर और टर्शियरी कार्निवोर। ठीक है, या ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर आपने दिखाया, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या फोर्थ ऑर्डर। ठीक है, या क्वार्टरनरी ऑर्डर से हम कह देते हैं, तो आपने ये दिखाया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है कि फूड चेन की लेंथ क्या होती है। ठीक है, लेंथ ऑफ फूड चेन, लेंथ ऑफ फूड चेन में हम बात करते हैं, एक इकोसिस्टम, अलग अलग फूड चेन इसमें हो सकती है, किसी में टू ट्रॉफिक लेवल। अब यहाँ पे ना ट्रॉफिक लेवल की बात आती है बेटा, इन्हीं को ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। ये कहाँ तक है, ऑटोट्रॉप है, हर्बीवोर्स तक है, या सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर तक है, सेकेंडरी कंज्यूमर तक है, कितने लेवल तक वो चल रहा है, उसी को ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। जैसे मैं बताती हूँ आपको कि किसी का एक, जैसे ये वाला हमने पढ़ा था, इसमें कितने ट्रॉफिक लेवल है, 1, 2 और 3, क्योंकि ग्रास था, ग्रास के बाद डियर था, डियर के पास लायन, के डियर को लायन ने खाया, तो 3 ही तो है ना, तो 3 क्या हो गए, ट्रॉफिक लेवल इसमें हो गए, है ना। बस यही होता है, अगर यहाँ पे कोई इसके बाद एक और होता तो फिर अगर मैं यहाँ पे मैन लिख दूँ तो यहाँ पे क्या कितने हो जाएंगे, 4 ट्रॉफिक लेवल हो जाएंगे। ठीक है, यही ट्रॉफिक लेवल होती है। ठीक, तो लेंथ की अगर हम बात करें तो इको यही लेंथ पूछी जा रही है कि कितने होता है, 1, 2, 3, 4, 5 कितने हो सकते हैं, वो पूछा जा रहा है। ठीक है, लेंथ ऑफ फूड चेन में ये पूछा जाता है। तो इन इको सिस्टम डिफरेंट फूड चेन में हैव 2, 3, 4 और मैक्सिमम 5 ट्रॉफिक लेवल। मैक्सिमम ट्रॉफिक लेवल 5 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई भी ट्रॉफिक लेवल नहीं हो सकता, और मिनिमम 2 हो सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम एक फूड चेन की बात करें तो मे एंड एट द हर्बीवोर लेवल पे भी ये खत्म हो सकती है। मतलब कि प्लांट, प्लांट के बाद इंसेक्ट हो गया, तो यहीं पे भी खत्म हो सकती है। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर लेवल पे भी खत्म हो सकती है। अब वही क्या हो गया, फिर सेकंड दो दो स्टेप में भी खत्म हो सकता है। ठीक है, और 3 स्टेप में खत्म होगा तो फिर प्राइमरी कार्निवर, सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल में भी खत्म हो सकता है, टर्शियरी में भी खत्म हो सकता है। तो इसी बेसिस पे इसको 2, 3 और 4 लेवल भी इसका कहा जाता है।
ठीक है। तो उसके बाद ये तो हो गया क्या, लेंथ हो गई हमारी किसकी, लेंथ ऑफ फूड चेन। फूड चेन की लेंथ कितनी हो सकती है, ये टू ट्रैफिक लेवल वाला भी हो सकता है, थ्री ट्रॉफिक लेवल वाला भी हो सकता है, फोर भी, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, फाइव, और मिनिमम टू ट्रॉफिक लेवल वाला हो सकता है। ट्रॉफिक लेवल हमने हमें पता चल गया ना, ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप से फिर किसमें, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, टर्शियरी और क्वार्टरनरी, जितना भी चलेगा उस कार्निवोर लेवल पर हम बात करते हैं, उस लेवल की हम बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो चलिए मैं एक बार आपको ये देखिए, ये प्रोड्यूसर है, ये हर्बीवोर, प्राइमरी कंज्यूमर इनको कहा जाता है, प्राइमरी कार्निवोर लेवल, ये सेकेंडरी कार्निवोर लेवल, ये टर्शियरी कार्निवोर लेवल, ठीक है, या क्वार्टर, सॉरी हाँ, कार्निवर और क्वार्टेनरी कंज्यूमर लेवल है। प्राइमरी कंज्यूमर देखो प्रोड्यूसर है, इसका तो कोई लेवल हम इसे नहीं कहेंगे, और दूसरा प्राइमरी कंज्यूमर लेवल, लेकिन हर्बीवोर इन्होंने, हमने कहा सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल तो सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी कार्निवर है, ठीक है, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद टर्सियरी कंज्यूमर लेवल तो है लेकिन सेकेंडरी कार्निवोर लेवल है, क्वार्टरनरी कंज्यूमर लेवल तो है लेकिन टर्शियरी कार्निवोर लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दो ही तक का भी हो सकता है, हमने कहा था ना प्लांट है, प्लांट को एलिफेंट ने खाया, खत्म यहीं पे कहानी, तो इसको खाने वाला कोई नहीं मिला, तो ये दो ही लेवल तक भी ये खत्म हो गया, ये ट्रॉफिक लेवल है, टू ट्रॉफिक लेवल। ग्रास है, ग्रास जो है हमारा, ग्रास को डियर ने खाया, डियर को टाइगर ने खा दिया, तो थ्री ट्रॉफिक लेवल हो गया, कहाँ से, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कार्निवर तक थ्री ट्रॉफिक लेवल। फिर ऐसे ही ग्रास है, पहले ग्रास को ग्रास ऑपर ने खाया, ग्रास ऑपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खाया, तो ये कितने लेवल हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव, मैक्सिमम फाइव लेवल देखे आपने, वन टू थ्री फोर फाइव। अब यहाँ से ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है, टर्शियरी से ऊपर तो कौन सा लेवल जाएगा, कुछ भी नहीं, तो यहीं पे खत्म हो गया। फिर उसके बाद अब देखो एक में कॉमन चीज आपने देखा होगा, प्लांट है, ग्रास है, ग्रास है, मतलब कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, प्लांट से ही हो रहा है, यहाँ एक्वेटिक प्लांट है। देखो कभी भी प्रोड्यूसर लेवल, कोई भी फूड चेन अगर स्टार्ट होगी तो वो हमेशा प्लांट से ही होगी, ग्रास भी तो प्लांट जैसे ही है ना, ग्रीन ग्रास तो है वो, तो हमेशा ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, प्लांट से ही स्टार्ट होते हैं, ओके। तो यानी कि देखिए प्लांट सेकेंड लेवल की आप बात करो, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, थ्री ट्रॉफिक लेवल की बात करो, फाइव ट्रॉफिक लेवल की बात करो, और ये ग्रास है, ग्रास को रैबिट ने खाया, इसको वाइल्ड कैट ने खाया, इसको टाइगर ने खा दिया, तो फोर। अब यहाँ पे कुछ सेकेंडरी कार्निवर ना होके ये टर्शियरी कार्निवर था, टॉप वाला था, है ना, तो ये फोर लेवल हो गया। ऐसे एक्वेटिक प्लांट हो गए, एक्वेटिक प्लांट को देखो, एक्वेटिक प्लांट को इंसेक्ट्स भी खा सकते हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट्स भी खा सकते हैं, स्मॉल फिश भी खा सकती हैं, और फिश ईटिंग बर्ड्स भी होती हैं जो इसे खाती है, ओके। तो अब आया ना समझ में, लेंथ की जो मैं बात कर रही थी वो यही लेंथ होती है, टू लेवल है, थर्ड लेवल है, फोर लेवल, फाइव लेवल है, फोर लेवल है, कितने लेवल में है इसकी बात करते हैं। और जो नेचर में जो फूड चेन होती है, टू स्टेप फूड चेन हो सकती है, जो कि हमें दिखा रखी है, जिसे कि ट्रॉफिक लेवल के नाम से भी हम जानते हैं, थ्री स्टेप फूड चेन भी हो सकती है ना, और फोर स्टेप फूड चेन भी हो सकती है, फाइव स्टेप फूड चेन भी हो सकती है, और जैसे पॉन्ड में, जैसे टू स्टेप फूड चेन हमें किसमें दिखा, जैसे फॉरेस्ट में हम देख रहे हैं, थ्री स्टेप फूड चेन भी हमें फॉरेस्ट में भी नजर आ रही है, और ऐसे ग्रास लैंड में हमें फोर स्टेप फूड चेन नजर आई है ना, ग्रास लैंड की तो बात हो रही है, यहाँ पे ग्रास वाले ग्रास लैंड ही तो होगा, लैंड में ही तो ये प्रेजेंट होंगे। और ऐसे ही पॉन्ड फूड चेन हो गया, पॉन्ड फूड चेन में हमें क्या मिल रहा है, वन टू थ्री फोर, फोर हो गया, या यहाँ पे को स्मॉल फिश, फिर एक और लेवल अगर हम बढ़ा दें यहाँ पे, जू प्लैंकटॉन कर दें, फिर एक्वेटिक, वो तो वही हो गए, खैर चलो। उसके बाद ग्रास लैंड का फोर स्टेप भी हमने देखा, देखिए फाइव भी देखा और फोर भी, वन टू थ्री फोर, और इसका पॉन्ड का या पॉन्ड जो है वन टू थ्री फोर, फोर स्टेप भी हमने देखा। तो फूड चेन नेचर में हमें अलग अलग तरीके से मिलती है, टू स्टेप के फॉर्म में, थ्री स्टेप के फॉर्म में, फोर स्टेप के फॉर्म में और फाइव स्टेप के फॉर्म में, और यही हमारे ट्रॉफिक लेवल इन्हें हम कह देते हैं, ठीक है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक। अब अच्छे से एक बार डिस्क्राइब कर देती हूँ मैं आपको ट्रॉफिक लेवल होते क्या हैं, ठीक है, क्योंकि आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे, तो ट्रॉफिक लेवल होते क्या हैं इनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल क्या है, ईच लेवल ऑफ फूड चेन, वही जो हम पढ़ रहे हैं ना उसी को बस थोड़ा सा नेम चेंज कर देते हैं, ये बाकी कुछ नहीं। ईच लेवल ऑफ फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अकर्स, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अकर्स
अब एनर्जी का ही तो ट्रांसफर हो रहा है ना बेटा, जैसे प्लांट ने एलिफेंट को खाया, तो प्लांट खाने के बाद एलिफेंट को एनर्जी तो मिली होगी, इसका इसने खाया तो अब इसकी बॉडी में जितनी एनर्जी थी, जितने न्यूट्रिएंट्स थे, उसी के बेसिस पे तो मिला, तो एनर्जी का ही तो ट्रांसफर हो रहा है ना, एक से नेक्स्ट जो है उसमें एनर्जी का ही तो ट्रांसफर दिखा रहा है। तो ऐसे ही घास थी, घास को डेयर ने खाया, उसको एनर्जी मिली, फिर घास और जो डेयर की एनर्जी थी, फिर डेयर को जो एनर्जी मिली, जितनी भी एनर्जी मिली वो टाइगर ने खाया, तो टाइगर को एनर्जी मिली, तो ट्रांसफर ऑफ क्या है, ये एनर्जी तो है ना। तो ईच लेवल ऑफ फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अकर्स इज रेफर टू एस ट्रॉफिक लेवल। ओके, तो जैसे एग्जांपल वही ग्रीन प्लांट थे, ग्रीन प्लांट यानी कि जो प्रोड्यूसर होता है वो फॉर्म करते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को, ठीक है, उनको हम क्या कह देते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल और प्रोड्यूसर लेवल उन्हें हम कह देते हैं। तो ग्रीन प्लांट यानी कि प्रोड्यूसर्स, यही तो पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, अब तो आप बोर भी हो गए हो कि मैम बार बार यही बोल रही हैं, तो होता ही यही है। तो और जितना आप, अगर आपको अभी लग रहा है कि मैं बोर हो रही, तो कंफ्यूज भी हो सकते हो, क्योंकि ध्यान से सुनना है, ठीक है, इसीलिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ, बार बार अलग अलग तरीके से वही आ रहा है, थोड़ा सा घूम फिर के आ रहा है। तो ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर्स होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। अभी तक आपने ऑटो प्रोड्यूसर्स के लिए कोई लेवल की बात नहीं करी थी, हम तो क्या पढ़ रहे थे, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर पढ़ रहे थे ना, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर सेकेंड ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए तो हमने कुछ नहीं पढ़ा था। अब आपने प्रोड्यूसर के लिए भी पढ़ लिया, देखिए फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हमने इसे बोल दिया है ना, तो जो हर्बीवोर्स होते हैं उनको क्या बोल देंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है, ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब मैं आपको ना एक डायग्राम से आपको समझाती हूँ, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है, इसमें दिखाती हूँ। ये क्या हो गए हमारे प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को क्या कहते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, है ना, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कह दिया, या प्रोड्यूसर लेवल और फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ओके, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, उसके बाद क्या आता है, प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद क्या आता है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और उसके बाद क्या आता है, टर्शियरी, टर्शियरी कंज्यूमर्स, यही तो होता है ना। तो इसको प्राइमरी, इसको प्रोड्यूसर लेवल, इसको प्राइमरी कंज्यूमर लेवल, जो यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल और टर्शियरी कंज्यूमर लेवल के नाम से हम जानते हैं। तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, यही तो हुआ, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, यही तो ट्रॉफिक लेवल है ना। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर लेवल या ट्रॉफिक लेवल हमने इनसे कह दिया। अब देखो यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है, इससे आपको आगे काम आएगा, जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, जो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, ये आपको आगे काम आएगा। देखो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा ऊपर कम और नीचे ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि हमारे आसपास प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा है, मतलब कि हमारे कंपेयर में हमारी जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, ह्यूमंस की या एनिमल्स की जो पॉपुलेशन है, उससे कहीं ज्यादा प्लांट प्रोड्यूसर है ना हमारे पास, प्रोड्यूसर, और उनको खाने वाले उनसे थोड़ा सा कम है, प्राइमरी कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले वो उससे कम है, और प्राइमरी कंज्यूमर को खाने जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं टर्शियरी, वो थोड़ा और कम है। मतलब कि अगर मैं बोलूं एक जंगल है, एक जंगल में प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट्स तो बहुत सारे हैं, उन प्लांट प्रोडक्ट को खाने वाले जो हिरन है वो बहुत कम है, हिरन को खाने वाले फिर, या चलिए वैसे पढ़ते हैं, प्रोड्यूसर लेवल है, क्योंकि वहाँ पे तो फिर खत्म हो जाएगा ना लेवल, प्रोड्यूसर है, प्लांट्स बहुत सारे हैं, उसको खाने वाले रैबिट बहुत कम है, रैबिट उसके कंपेयर में कम है, किसके, प्लांट्स के कंपेयर में कम है, और रैबिट को खाने वाले जो कैट हैं वो उसके कम, उससे कम है, और कैट को खाने वाला जो वुल्फ है वो क्या है, उससे और भी ज़्यादा कम है, मतलब कि नंबर कम कम होता जाता है, और सबसे ज्यादा क्या है हमारे पास, प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो इतना आया समझ में, हम किस में पढ़ रहे थे, फूड चेन में, हम ये पढ़ रहे थे। फूड चेन क्या है, एक सीक्वेंस जहां पे हम सीक्वेंस वाइज कौन किसको खाता है इसकी हम बात करते हैं। हमने पढ़ा कि प्रोड्यूसर लेवल होता है, और प्राइमरी कंज्यूमर लेवल है, सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल है, टर्शियरी कंज्यूमर लेवल है, क्वार्टरनरी कंज्यूमर लेवल है ना। तो एक और बनाएंगे तो फिर क्वार्टरनरी भी बन जाएगा, और फूड चेन हमने कहा कि 2, 3, 4 और मैक्सिमम
फाइव स्टेप वाला हो सकता है। ट्रॉफिक लेवल हमने पढ़ा कि हर एक लेवल जो होता है फूड चेन का, जहाँ पे एनर्जी रही, इसकी एनर्जी इसके पास जाएगी, इसकी एनर्जी इसके पास, इसकी एनर्जी इसके पास जाएगी, तो एक लेवल से दूसरे लेवल में जो फूड का ट्रांसफर होता है उसी को हम क्या कह देते हैं, या एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है उसी को हम ट्रॉफिक लेवल हम बोल देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं किसके, फूड चेन के, ठीक है। फूड चेन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, किस बेसिस पे आप फूड चेन को फूड चेन कहते हो, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन में एक फूड चेन वो होती है, मतलब कि फूड चेन आप उसे कहेंगे जिसमें कि न्यूट्रिशनल इंट्रैक्शन होता है बिटवीन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। तो फूड चेन उसी को तो कहेंगे ना, एक न्यूट्रिशन इंट्रैक्शन ही तो हो रहा है, उसमें न्यूट्रिशन ही तो पास हो रहे हैं एक जनरेशन से, मतलब कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। तो एक जो फूड चेन होती है यहाँ पे रिपीटेड ईटिंग होती है, मतलब कि ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, तो रिपीटेड ईटिंग इसमें होते रहती है, ठीक है। मतलब कि हर, अब ऐसा नहीं कि एक ही खा रहा है, इस ग्रुप ईट अदर ग्रुप, तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को, ये ग्रुप इसको खा रहा है तो इस ग्रुप को ये खा रहा है, इस ग्रुप को ये खा रहा है तो इस ग्रुप को ये खा दे रहा है, तो रिपीटेड ईटिंग यहाँ पे को होते रहती है, इसे हम फूड चेन कहते हैं। और जो फूड चेन होती है वो हमेशा स्ट्रेट एंड प्रोग्रेसिव होती है। तो देखा ना हमने, जो फूड चेन है वो स्ट्रेट है, ऊपर स्ट्रेट ही तो जा रही है, ये ऊपर की तरफ तो जा रही है ना, और प्रोग्रेसिव होती है, बढ़ते ही जाती है। फूड चेन क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, यहाँ से यहीं एनर्जी जाएगी, कभी भी यहाँ की एनर्जी यहाँ नहीं आएगी, तो एक डायरेक्शनल फ्लो है ना। या अगर एनर्जी आ भी रही है, अगर हमने बोला कि दूसरे डायग्राम में हमने कहा कि ऐसे जा रहा था और वापस क्या हो जा रही थी, एनर्जी मिट्टी में जा रही थी और वापस फिर इसको, एक ही डायरेक्शन तो है ना, मतलब कि ऐसे थोड़ी ना डायरेक्शन हो रहा है कि पहले यहाँ गया यहाँ से, मतलब बाय डायरेक्शनल नहीं है ना, तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे, बस हो गया, तो यूनिडायरेक्शनल होता है फूड चेन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, इनको तो याद करना ही पड़ेगा कि फूड चेन क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है और स्ट्रेट होती है, ठीक है। फ्लो ऑफ एनर्जी सन से लेके प्रोड्यूसर में जाता है, प्रोड्यूसर से जो सीरीज चलते जा रही है लास्ट टाइप के कंज्यूमर तक, वहाँ जाता है, एक ही डायरेक्शन होता है, ठीक है। यूजुअली 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल होते हैं किसी भी फूड चेन में, और मैक्सिमम हो सकता है 5 ट्रॉफिक लेवल तक, और कुछ ऑर्गेनिज्म ओमनिवर्स होते हैं, ये ऑक्यूपाई करते हैं अलग ही ट्रॉफिक लेवल, इनका होता है फूड चेन में, ठीक है। तो ये हमारा फूड चेन जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जो अभी हमने जो आज पढ़ा, एक बार अगर हम रिवाइज करते हैं इसको, तो रिवाइज करते हैं चलिए, तो हमने बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करी, हमने प्रोड्यूसर्स कहा कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, उनको हम प्रोड्यूसर्स कह देते हैं, और उसके बाद यही प्रोड्यूसर वो होते हैं जो कि सबके लिए फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सबको खाना ये देने का काम करते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद से बनाने की कैपेबिलिटी इनके पास होती है। उसके बाद दूसरे क्या होते हैं, कंज्यूमर जो कि वो मेनली एनिमल इसमें इंक्लूड होते हैं, जो कि सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, तो इनको सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट नहीं, अभी सिर्फ कंज्यूमर हम पढ़ रहे हैं, वो एनिमल जो कि अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं, तो ये डिपेंड किस पे रहते हैं, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड रहते हैं, है ना। नेक्स्ट, फिर हमने कहा कि कंज्यूमर्स अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, प्राइमरी और फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, जिसे कि हम हर्बीवोर्स कह रहे हैं, ठीक है। अब ये हर्बीवोर्स लैंड पे अलग होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अलग होते हैं, और पॉन्ड या एक्वेटिक इकोसिस्टम में अलग होते हैं। टेरेस्ट्रियल के एग्जाम्पल कौन है, रैबिट है, ग्रास हॉपर है, गोट है, कैटल है, तो और ऐसे ही इसी का, प्राइमरी का ही या हर्बीवोर का ही एग्जाम्पल कौन है, जो कि एक्वेटिक में है, जैसे टैडपोल, मॉस्किटो लावा, टॉर्टोइस, ये इसके एग्जाम्पल है ना। उसके बाद सेकेंडरी और सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर की हमने बात करी, हमने कहा कि ये कार्निवर होते हैं जो कि हर्बीवोर्स को खाते हैं। टर्सियरी और थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर कार्निवर, जो कि इन्हीं सेकेंडरी ऑर्डर वाले को खाते हैं, सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर को जो खाते हैं, जैसे कि छोटी छोटी फिश हैं, ये हो गई। क्वार्टरनरी में वो जो कि लार्जेस्ट कार्निवर से हम कहते हैं, जो कि टर्शियरी या थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर को खाते हैं, जैसे कि टाइगर, शार्क वगैरह इसके एग्जांपल हमारे होते हैं। फिर हमने थर्ड पार्ट पढ़ा बायोटिक कंपोनेंट का, जैसे कि हमने डिकम्पोजर्स कहा, इन डिकम्पोजर्स को हम रिड्यूसर्स के नाम से भी जानते हैं, ये इंक्लूड करते हैं बैक्टीरिया, फंजाई को, और ये फूड ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, डेड और डीके मैटर, जो सड़ी गली जो चीज़ें होती हैं
उनसे ये क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करते, अपना फूड वही खाते हैं, और इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि हमारे एनवायरनमेंट को साफ कर देते हैं। सपोज कीजिए अगर हमारे आसपास जो सड़े जो एनिमल की अगर किसी की डेथ हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता और वो साफ़ ही नहीं होता तो कितनी स्मेल वहाँ पर आती, कितनी गंदगी होती। लेकिन ये डिकम्पोजर्स एल्गी और फंजाई जो क्या करते हैं उस पर एक्ट करते हैं और धीरे धीरे उसकी बॉडी को ख़त्म करके उसकी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में मिक्स कर देते हैं और फिर वहीं से प्लांट्स क्या कर लेते हैं उसे रॉ मटेरियल मतलब कि ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर प्लांट्स उसी को रॉ मटेरियल के फॉर्म में लेके वापस वो हम तक ही दे देते हैं, वापस एनिमल्स तक ही वो उन्हें दे देते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि ओमनीवर्स भी होते हैं। ओमनीवर्स क्या होते हैं, जो कि जैसे कि ह्यूमन बींग है, काव है, डॉग है, जो कि मीट तो खाता ही खाता है, साथ ही साथ प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, हुईस प्लांट प्रोडक्ट्स एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल्स हम कह सकते हैं। तो इसको हमने क्या कह दिया, ओमनीवर्स। फिर हमने कहा कि पैरासाइट भी एक ग्रुप होता है हमारे इकोसिस्टम में, एक कैटेगरी होती है कंज्यूमर्स की, जो कि क्या करता है किसी की बॉडी के अंदर जाके वो खाना खाता है, उसकी लाइफ साइकिल, वो जिंदा तब रह पाता है, वो सर्वाइव तब कर पाता है जब वो किसी की बॉडी के अंदर जाए, और किसी की बॉडी के अंदर जिस बॉडी के अंदर वो जाता है उसे हम क्या कह देते हैं, होस्ट। जैसे कि टेपवर्म और एंट अमीबा स्टोलेटिका, हमने इसका एग्जाम्पल पढ़ा था। फिर हमने नेक्स्ट जो पढ़ा था डेट्राइवोर्ट्स हमने पढ़े थे, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेट्राइटस, डेट्राइटस का मीनिंग होता है डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो प्लांट के सड़ी गली जो चीज़ें, जो डेड बॉडी जो होती है या एनिमल्स की जो डेड बॉडी होती है उसे ये खाते हैं और उसको क्या कर देते हैं, स्मॉलर फ्रेगमेंट में तोड़ देते हैं, इनको डेट्राइवोर्ट्स भी कहा जाता है। फिर उसके बाद ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स के बीच में हमने डिफ्रेंशिएट किया था, हमने ये जाना था कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो कंज्यूमर होते हैं, और ऑटोट्रॉप्स प्रिपेयर करते हैं अपना खाना खुद से, अपनी एनर्जी वो सनलाइट से लेते हैं और साथ ही साथ वो ऑक्सीजन को हमारे एनवायरनमेंट में ऐड करते हैं, और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया। जबकि दूसरी साइड जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए और अपनी एनर्जी को ऑटोट्रॉप्स से ऑब्टेन करते हैं, साथ ही साथ एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को ये ऐड करते हैं। और एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन है, प्रोटिस्ट्रा है, फंजाई है और अदर एनिमल्स हैं। ठीक है, फिर हमने कहा कि हम फूड चेन की बात करते हैं, तो जो भी चीज़ हम खाते हैं जिंदा रहने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए वो है फूड, तो उस फूड और ये फूड क्या करता है, एनर्जी कंटेन करता है, इसीलिए हमारे इकोसिस्टम में फूड चेन होती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि एक ट्रांसफ़र होता है एक से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ फूड। फूड के फॉर्म में उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसमें मिनरल्स होंगे, उसमें एनर्जी होगी, एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक एनिमल से दूसरे एनिमल में। और जितनी भी फूड चेन होती है वो सभी की सभी, भले आप एक्वेटिक की बात करो, आप लैंड की बात करो, कहीं की भी बात करो, ग्रीन प्लांट से ही वो स्टार्ट होती है। अगर आप एक्वेटिक की बात करोगे तो एक्वेटिक प्लांट बोल देंगे, अगर आप लैंड की बात करोगे तो ग्रीन प्लांट बोल देंगे। तो प्लांट से ही फूड चेन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो जो सीक्वेंस होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक कम्युनिटी में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका एक दूसरे को खाना या उनका एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का ट्रांसफर होना ही उसे हम क्या कह देते हैं, फूड चेन। ठीक है, या अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स शोइंग हु ईट्स हुम, कौन किसको खाता है, ये रिप्रेजेंट करना ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो ग्रुप जिसमें हम शो करते हैं कि कौन किसको खा रहा है, वही क्या होता है, फूड चेन होता है। जैसे कि फिर हमने जैसे हमने पढ़ा था ये ग्रास, ग्रास को डियर खा रहा था, डियर को फिर लायन खा रहा था, तो हम शो कर रहे हैं कौन किसको खा रहा है, तो ये एक फूड चेन हमारी हो गई। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने बात करी थी किसकी, हमने कहा था कि लेंथ ऑफ फूड चेन की हम बात करते हैं, फूड चेन की लेंथ कितनी होती है। तो किसी भी इकोसिस्टम में अलग अलग, मतलब फॉरेस्ट इकोसिस्टम अलग होगा, लैंड इकोसिस्टम अलग होगा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम अलग होगा, पॉन्ड इकोसिस्टम, अच्छा पॉन्ड तो पढ़ लिया, एक्वेटिक पॉन्ड इकोसिस्टम सब अलग अलग होते हैं, ग्रासलैंड अलग होता है, तो इनमें जो लेवल होता है वो भी अलग अलग होता है। तो टू लेवल का हो सकता है, मतलब कि दो ही लेवल में खत्म होने वाला भी हो सकता है, थ्री लेवल हो सकता है, फोर लेवल हो सकता है, और मैक्सिमम ये फाइव लेवल हो सकता है, जैसे कि इसमें हमने दिखाया। देखो प्रोड्यूसर लेवल पे प्लांट हमेशा ग्रास 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 आपको ग्रीन चीजें ही दिखेंगी और उसके बाद यहीं पे खत्म होने वाला। टू लेवल वाला भी हमारे पास है, एलिफेंट में खत्म हो गया, थ्री लेवल वाला है, फोर लेवल वाला है, फाइव लेवल वाला है, और फिर फोर और टू लेवल वाला हमारे पास एग्जाम्पल है किसके, इकोसिस्टम के या ट्रॉफिक लेवल के। ठीक है, फिर हमने बात करी कि जो फूड का जो नेचर है, फूड चेन का नेचर, इसी नेचर यही होता है,
तो जो नेचर है वो टू स्टेप फूड चेन, नेचर इसी को कहा जाता है, टू स्टेप फूड चेन, थ्री स्टेप फूड चेन, फोर स्टेप फूड चेन, फाइव स्टेप फूड चेन, इसी को नेचर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी आखिर ये ट्रॉफिक लेवल होता क्या है। हमने कहा कि हर एक लेवल फूड चेन का, हर एक लेवल जहाँ पे कोई एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसे हम ट्रॉफिक लेवल के नाम से जानते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हैं वो एक ट्रॉफिक लेवल से प्रोड्यू, एक ट्रॉफिक लेवल है उनका, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है ग्रीन प्लांट्स का, जिसे हम क्या बोल देते हैं प्रोड्यूसर लेवल। ऐसे ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल हमने इसका कहा। और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े फूड चेन के, तो हमने कहा कि फूड चेन इन्वॉल्व होती है एक न्यूट्रिटिव इंट्रैक्शन होता है किसका, जितने भी लिविंग बींग्स हैं एक इकोसिस्टम में रहने वाले जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनका आपस में जो इंट्रैक्शन होता है उनके उसी इंट्रैक्शन को, किस चीज़ के लिए इंट्रैक्शन, एनर्जी के ट्रांसफर के लिए या फूड के लिए, जो आपस में वो इंट्रैक्ट करते हैं भले वो इंट्रैक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव, मतलब एक दूसरे को मार रहे हैं तो नेगेटिव ही हुआ लेकिन इंट्रैक्शन तो कहीं ना कहीं हो ही रहा है ना, और सबको फायदा हो रहा है, प्रोड्यूसर को ये खा रहे हैं तो कंज्यूमर को फायदा हो रहा है, ये इसको खा रहा है तो उसको फायदा है, एनर्जी ट्रांसफर हो ही रहा है ना, तो इसे हम क्या बोल देते हैं फूड चेन, ठीक है। तो दूसरा जो फूड चेन है वो हमेशा स्ट्रेट और प्रोग्रेसिव, ऊपर की तरफ ही जाती हुई नजर आ रही है ना, नीचे की तरफ तो हमें नजर नहीं आ रही है, तो ये प्रोग्रेसिव होती है और हमेशा स्ट्रेट होती है। फूड चेन यूनिडायरेक्शनल होती है, इसका एक ही डायरेक्शन होता है, यहाँ से यहाँ, इधर से अगर वो यहाँ से यहाँ जा रही है तो फिर यहाँ से यहाँ नहीं जाएगी, यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने वाली फूड चेन हमारी होती है। और साथ ही साथ थ्री फोर या मैक्सिमम फाइव ट्रॉफिक लेवल एक फूड चेन में हमारे हो सकते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ओमनिवर्स होते हैं, वो ऑक्यूपाई करते हैं एक अलग ट्रॉफिक लेवल को हमारे इकोसिस्टम में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे फूड चेन के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फूड वेब। तो फूड वेब क्या होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन एग्जिस्ट इन अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम सच एज ग्रास लैंड और फॉरेस्ट। मतलब कि जितनी भी फूड चेन आपने पढ़ी, मतलब आपने ग्रास फूड ग्रास लैंड के लिए फूड चेन पढ़ी, आपने फॉरेस्ट इको सिस्टम के लिए फूड चेन पढ़ी, आपने पॉन्ड इको सिस्टम के लिए पढ़ी, तो इन सब का एक साथ, इन सबको हम एक साथ जब पढ़ देते हैं तो उसे क्या बोल देते हैं फूड वेब, जो कि हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। हैव ए नाइस डे।